क्या आप मेकअप करके वीडियो बनाते हो? आपके फेस पे आखिर इतनी शाइन है कैसे? आप पक्का अपनी वीडियो पे ना बड़े सारे फिल्टर लगाते हो। ऐसे कमेंट्स ना भरे रहते हैं जब भी मैं कमेंट बॉक्स खोलता हूँ। और देखो, आप लोगों का कहना गलत है भी नहीं, आप लोगों के सवाल सराखों पर, उसका जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, मेकअप। सीरियसली, मेरी जिंदगी में इतना वक्त ही नहीं है कि मैं मेकअप के बारे में सोच भी पाऊँ। सीधा स्टूडियो से भागना पड़ता है अपने शोरूम पे और बीच में बिल्कुल वक्त ही नहीं होता। दूसरी बात, आपके फेस पे इतनी शाइन कैसे है? देखो, वो तो आके आपको मेरी मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। अब देखो, अच्छी स्किन मिल तो जाती है पर उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए मेरा चैनल तो आपके पास है ही। आराम से देखो, दसियों वीडियोस मिल जाएंगे कैसे आप अपनी बढ़िया स्किन को मेंटेन कर सकते हो। और लास्ट चीज, फिल्टर। देखो, सीधा बता रहा हूँ, स्टूडियो में जो बेसिक लाइट्स होती है ना, वही मेरे स्टूडियो में जो हर यूट्यूबर यूज करता है। ना मैं कम यूज करता हूँ, ना मैं ज्यादा लगाता हूँ, और एज इट इज रॉ वीडियो आप देखते हो जो मेरे आईफोन से रिकॉर्ड होती है। कोई मैं महंगे कैमरे यूज नहीं करता, सिर्फ मैं आईफोन यूज करता हूँ। अगर कभी मन करे ना मेरे से मिलने का, मेरा स्टोर है मुखर्जी नगर में जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, आप वहां आके मेरे से मिल सकते हो। वहां का लैंडमार्क है बत्रा सिनेमा, उसके सामने ही मेन रोड पे मेरी दुकान है। आप मोस्ट वेलकम है, कभी भी आओ मेरे से मिलो। मैं आपको पूरी तरह सिर्फ ग्रीट करने आ जाओ, मैं नहीं कहता सामान खरीदो। मेरे पास कोई भी जब मिलने भी आता ना, मैं कहता हूँ आप सामान लो ना लो, आपका आना मेरे लिए मेन प्रायोरिटी है। अगर आप कभी भी आओ और हमारे नंबर्स नॉट रीचेबल हो तो आप किसी से भी लेंस कार्ड पूछ लेना, उसके साथ वाला स्टोर हमारा है और हमारे स्टोर का नाम है एस केयर कॉस्मेटिक्स। तो आप आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और आप खुद ही देख लो कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं सही है या नहीं है। अब आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ, मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ आप लोगों की ही डिमांड पे एक अमेजिंग स्किन चैलेंज। हमारे चैनल की सबसे हिट वीडियो आज तक रही है 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज, तो ये है उसका 2.0 वर्जन। अब सारे लोग लगे हैं रीमेक पे, तो हम क्यों ना करें रीमेक। मैं उसी 7 डेज चैलेंज को लेकर आया हूँ एक नेक्स्ट लेवल पे, जो आपकी स्किन देगा बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की, आपकी स्किन की सारी कमियों को बिल्कुल ही दूर कर देगा। और ये 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज है विंटर स्पेशल। ये मेक श्योर करके आपकी स्किन को पूरा हाइड्रेशन दे और जबरदस्त वाला ग्लो दे, और यही दो चीजों की हमारे को जरूरत होती है जब बात होती है ग्लास स्किन की। ग्लास स्किन का ना आपको मैं पहले बेसिक मतलब समझा देता हूँ। जब आपके चेहरे पे लाइट पड़ती है, जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही है मेरे स्टूडियो में, तो आपका फेस उसको रिफ्लेक्ट करता है और आपका फेस शाइन करता है, वही हमारे को जरूरत है। अब इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है। आपका कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन हो वो बहुत ही सुंदर है, बस आपको चाहिए ग्लास स्किन, बेसिकली ग्लास शाइन चाहिए आपको अपने फेस पे। जैसे ही हमारा फेस डल फील करता है ना, दिमाग में दो ही चीजें आती हैं। अब जिनका बजट थोड़ा कम होता है वो जाते हैं अपने पार्लर वाली आंटी के पास, और वो आंटी बता देती है आप लोग ग्लास स्किन चैलेंज। और जिन लोगों का बजट थोड़ा ज्यादा होता है वो जाते हैं अपने डर्मैट पास, जो उनको देते हैं मोटा वाला बिल और ट्रीटमेंट बता देते हैं ये करवा लो। अब आप जो भी कैटेगरी के बिलोंग करते हो, दो चीजें बहुत अच्छे से समझ लो, आपका बहुत मोटा पैसा तो लगने ही वाला है, साथ में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट जो हमारा आज का ट्रीटमेंट है वो है 100% नेचुरल, 100% केमिकल फ्री। ये वही गुडनेस आपको देने वाला है, वही मैजिक करने वाला है आपकी स्किन पे, जो महंगे महंगे फेशियल्स करते हैं या डर्मैट करते हैं। तो आपको पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, ना जरूरत है कोई साइड इफेक्ट लेने की। सीधा फॉलो करो हमारा आज का ट्रीटमेंट, पर उससे पहले आपने करना है हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आगे वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आपको बताते हैं हाउ टू अचीव ग्लास स्किन इन 7 डेज। हमारा आज का 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज टोटल 2 स्टेप्स में रहने वाला है। मैं पहले आपको दोनों स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो कि हमारा ग्लास स्किन फेशियल मास्क। अब इस मास्क के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। पहले मैं बात करूंगा इंग्रेडिएंट्स की, थोड़े उसके फायदे बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, टमेटो पाउडर। अब टमेटो जो होता है ना, वो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए सबसे शानदार प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर होता है विटामिन सी, जो कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे आपको एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स की दिक्कत नहीं आती, आपकी प्लम्पी और इलास्टिक स्किन बनी रहती है। इसके अलावा टमेटो के अंदर होता है कैल्शियम, जो आपकी ड्राई और फ्लेकी स्किन को हटाने का काम करता है। तो हो गया कॉम्बो ग्लो का भी और मॉइस्चराइजेशन का भी, साथ में आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। एक कंप्लीट पैकेज है टमेटो आपकी कंप्लीट स्किन केयर के लिए, जो कि आपको अपने रूटीन में ऐड करना ही चाहिए। और टमेटो पाउडर से बढ़िया कुछ है ही नहीं, बिकॉज आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए और अपने फेस पे लगा लिया और वॉश ऑफ कर दिया। बट रही बात हमारे आज के फेशियल मास्क की, ये तो रहने वाला है नेक्स्ट लेवल का। इंग्रेडिएंट नंबर 2, राइस पाउडर। अब बात ग्लास स्किन की हो और राइस ना आए उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
कोरिया का फेवरेट ब्यूटी इंग्रेडिएंट और इंडियन ब्रांड्स का भी। आप कभी भी कोई भी रैंडम कोरियन ब्रांड उठाकर देख लेना, उसमें राइस का फेस वॉश जरूर होगा ही, बिकॉज राइस ना एक कमाल का क्लेंजर है। उसके अंदर होता है विटामिन बी जो आपका स्किन का टेक्सचर बिल्कुल ही इंप्रूव करने का काम करता है। और रही बात स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग की, उसमें तो राइस का मुकाबला है ही नहीं। और ये जो राइस पाउडर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है 100% प्योर 100% नेचुरल, जो आपको देने का काम करेगा ग्लास स्किन, साथ में आपके फेस से मॉइस्चराइज पूरा करेगा, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है। एक तो वैसे ही सर्दियां हैं और दूसरा बिना मॉइस्चराइजेशन कोई ग्लो आ ही नहीं सकता। साथ में आपका स्किन टोन बेटर करने का काम करेगा, ये तो नहीं कहता आपको गोरा कर देगा, बट जो आपका स्किन का टेक्सचर है ना उसको उसके बेस्ट वर्जन पे लेकर आएगा। अब आपका कोई भी स्किन का कलर हो, यकीन मानो इतना सुंदर लगेगा ना वो, स्पेशली विद द गुडनेस ऑफ राइस। ग्रेडिएंट नंबर 3 ग्लिसरीन। अब इस क्लियर जेल लाइक थिंग को ना आप विंटर में अपना बेस्ट फ्रेंड बना ही लो। एक तो इतनी अफोर्डेबल और इतनी अमेजिंग है हमारी स्किन के लिए। ग्लिसरीन को डालने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि आपकी स्किन को भर भर के मॉइस्चर मिले, और ग्लिसरीन मेक श्योर करती है मॉइस्चर देने के साथ साथ आपके फेस को डल भी ना करे, आपके स्किन टोन को इवन करती है, ब्राइटन अप करती है, और मेक श्योर करती है एजिंग साइंस को भी आपकी स्किन से रखे कोसों दूर। एंड हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है दही बोले तो कर्ड, जो कि आपको इजीली आपकी किचन में ही मिल जाएगी। कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो आपकी स्किन में एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन सेल्स को पूरी तरह हटा देता है। साथ में उसके अंदर होता है जिंक जो नए सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, और उसके अलावा उसके अंदर होता है विटामिन डी जो आपको बेटर टेक्सचर देने का काम करता है। एक बहुत सा खूबसूरत टेक्सचर ऐड करेगा हमारे आज के फेशियल मास्क में, और साथ में एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन ऐड करेगा, बिकॉज ये मास्क बन रहा है विंटर के अकॉर्डिंग, तो हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर पे तो फोकस करना ही है। ये 4 शानदार इंग्रेडिएंट आपको देने का काम करेंगे ग्लास स्किन। रेमेडी कैसे तैयार करनी है उससे पहले एक चीज मैं एडवांस में बता दूं, जो आप लोग कमेंट करोगे ही करोगे, मुझे पता है बच्चे यूज कर सकते हैं, लड़के यूज कर सकते हैं, लड़कियां यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं, पर उनके लिए पैच टेस्ट मैंडेटरी है, और एक्ने प्रोन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट मैच्योर स्किन वाले भी। तो बेसिकली इन शॉर्ट कहा जाए कोई भी इसको यूज कर सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बट फिर भी मैं कहूंगा पैच टेस्ट जरूर करना, अपनी नेक पे लगा लो और 1-2 घंटे के लिए बाद देखो कोई स्किन रिएक्ट तो नहीं कर रही, अगर नहीं रिएक्ट करती तो ये 100% सेफ है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले ले लो हमारा मैंडेटरी ग्लास बोल जिसमें तैयार होने वाला है सब कुछ, उसमें डालो 1 चम्मच टमेटो पाउडर, 1 चम्मच राइस पाउडर और साथ में 1 चम्मच ग्लिसरीन। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लो, फिर आपने उसमें इनफ दही डालने की एक स्मूथ सा लम्प फ्री पेस्ट बन जाए। लगाना कैसे है, सबसे पहले आपका फेस होना चाहिए पूरी तरह क्लीन, चाहो तो एक फेस वॉश से वॉश भी कर सकते हो। अब आपने इसको अपने पूरे फेस पे नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और 20 से 30 मिनट के लिए इसको लीव ऑन करना है। जहां आपको डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की समस्या है ना, वहां लगाते हुए अच्छे से मसाज जरूर कर लेना। जैसे 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, जितना भी मास्क आपका सूखा है आप हाथ में लो मिल्क का बेस और मसाज कर उसको वॉश ऑफ कर दो। ऐसा अमेजिंग ग्लास स्किन आपको मिलने वाला है ना पहले ही यूज में, बट वीडियो आगे आप पूरी कंप्लीट देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 7 दिन में लिटरली आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होने वाली है। स्टेप नंबर 1 के बाद बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, जो कि हमारी ग्लास स्किन मसाज जेल। और जेल के लिए तो हमारे को हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए, जो कि है एलोवेरा जेल, बट होना चाहिए प्योर फॉर्म में, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो, मेरा तो वही फेवरेट इंग्रेडिएंट है ही। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे को चाहिए आलमंड ऑयल, जो विंटर में रहता है बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर, और साथ में डार्क स्पॉट हटाता है, पिगमेंटेशन हटाता है, टेक्सचर बिल्कुल ही लाइट वेट होता है। बेसिकली कहा जाए आपकी स्किन के लिए मैंडेटरी है, चाहे स्किन टाइप कोई भी हो। अब तैयार कैसे करनी है जेल वो बताता हूँ। सबसे पहले ले लो एक ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1/2 चम्मच आलमंड ऑयल। अच्छे से इनको स्मूथली मिक्स कर लो जितना मिक्स हो पाए। देन आपने अपने फेस को वेट करना है और हल्का सा टॉवल से सुखाना है। बेसिकली डैम्प फेस होना चाहिए, ये नहीं पानी टपक रहा है, हल्का गीला होना चाहिए। जेल की अच्छी वाली क्वांटिटी ली और अपने फेस पे पूरी तरह अप्लाई कर लिया। सर्कुलर मोशन में इसे अच्छे से मसाज करना है। जब भी आप मसाज करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में करना है और आउटवर्ड स्ट्रोक्स में करना है, ताकि आपकी स्किन में एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी मिले। अपना फोरहेड वाला एरिया आपने जरूर करना है, जो आईब्रो के बीच वाला एरिया होता है, जॉ लाइन पे जरूर मसाज करनी है, बिकॉज स्किन लिफ्टिंग हमारी हैवी जॉ लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और नेक पे भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में जरूर मसाज करनी है। मसाज आपकी स्किन को पूरी तरह रिलैक्स भी कर देगा, और जैसे आपने मसाज कर लिया आप चाहो तो जेल को लीव ऑन कर सकते हो रात भर के लिए, और अगर वॉश करना है तो भी टोटली आपकी कॉल है। वॉश करते ही ऐसा शानदार ग्लो आएगा ना आपके फेस पे कि भाई मजा ही आ जाएगा। अब मैं समझाता हूं कि ये 2 स्टेप्स आपने फॉलो कैसे करने हैं फॉर अ 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज। बात करते हैं हम डे 1 के साथ। आपने डे 1 में हमारा ग्लास स्किन फेशियल मास्क अप्लाई करना है अपने क्लीन फेस पे।
टाइम पूरा हो जाए 30 मिनट, देन उसको वॉश ऑफ कर देना है। और आपने इमीडिएटली अपने मुंह को सुखाकर जो हमारी ग्लास की मसाज जेल है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस पे मसाज करके उसको लीव ऑन कर देना और रहने देना है एज इट इज, जब मर्जी फॉलो कर लो। अब आपने ये फॉलो करना है डे वन पे, थर्ड डे पे, फिफ्थ डे पे और सेवन्थ डे पे। जो बीच के 3 दिन बचते हैं उसमें आपने सिर्फ हमारी ग्लास की मसाज जेल से अच्छे से मसाज करनी है रात के वक्त और उस जेल को लीव ऑन कर देना है। बेसिकली इन शॉर्ट कहा जाए तो जेल तो यूज होगी 7 दिन, आपने 3 दिन करनी है मसाज और 3 दिन एज अ मॉइस्चराइजर लगानी है, और जो ये फेशियल मास्क है ये यूज होगा 4 दिन। एंड मैं आपको लिटरली गारंटी देने को तैयार हूँ कि 7 दिन बाद आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स पर आओ और बताओ क्या डिफरेंस आया आपकी स्किन में। सबको फायदा मिलेगा, कोई भी स्किन टाइप हो, किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम, बट आई गारंटी आपकी स्किन लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जब आप 7 दिन इतना अच्छा स्किन केयर फॉलो करोगे। कैसे नहीं आएगा आपकी स्किन में डिफरेंस? तो चैलेंज शुरू करने से पहले आपने एक मैंडेटरी काम करना है, अपनी एक सेल्फी लेकर रखनी है और 7 दिन बाद वही सेम काम आपने रिपीट करना है। कितना डिफरेंस है आपकी स्किन में वो आपने शेयर करना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं वो शॉर्टली रीपोस्ट करूंगा। बट आपने प्रॉपर दिल से इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है और फिर ही अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। बस सोचना क्या, वीडियो तो होने वाली है खत्म, तो अपने डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को भी तो करो खत्म, और वो होंगे 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज के साथ। तो आज ही लो हमारे साथ ये चैलेंज, और अकेले नहीं लेना, अपनी फ्रेंड को भी देना है साथ में, अपने मम्मी को भी देना है, अपने पापा को भी देना है, ताकि वो भी आप साथ में जब रिजल्ट शेयर करते हो ना बड़ा ही मजा आता है। और जब 7 डेज कंप्लीट हो जाए तब आपने अपने रिजल्ट शेयर करने हैं मेरे साथ, मैं वेट कर रहा हूं आपके DM का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हम आपसे मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।